दोस्तों इस वीडियो में हम आपको नोएडा के ट्विन टावर के गिरने के बाद जिस तरह से लोगों का रिएक्शन सामने आया है वो दिखाने वाले हैं। आप सुनिएगा कि लोग उस पर किस तरह का रिएक्ट कर रहे हैं लाइव वीडियो में। ये देखिए किस तरीके से ट्विन टावर ध्वस्त हो गया और धूल ही धूल चारों तरफ दिखने लगा। अलग अलग एंगल से वीडियो शूट हुए हैं, अलग अलग तरीके से लोगों ने, वहाँ जो लोग थे वहाँ अपने अपने अपार्टमेंट से लोगों ने वीडियो शूट किए। बहुत सारे लोग, जब 2:30 हुआ तो लोग, कुछ लोग लाइव कैमरा शूट कर रहे थे, कुछ लोग टीवी पर टकटकी लगाए देख रहे थे। आप देखिए किस तरीके से लोग खुश भी हो रहे हैं इसको डेमोलिशन के बाद। इसको और क्लोजली देखिए, ये तो भर जाएगा पूरे बिल्डिंगों में, इधर तो ढका भी नहीं है। चला एक सेकंड मिस हो गया, पता है एक सेकंड मिस हुआ है। देखा तो हमने फिर भी, हाँ चिल्लाने लग गए ना। हाँ देखिए इन लोगों को कितना मजा आ रहा है, एक सेकंड मिस हो गया, देखा तो हमने फिर भी। ये हमारा आगे है ये, इसमें इसलिए जब पूरा ज्यादा आगे से दिख रहा है, ये पूरा फ्रंट पे दिख रहा है। सर उधर कैमरा लगाया गया, सब लोगों ने लगाया कैमरा? नहीं नहीं, यहाँ पे सर ने लगाया क्या? डॉक्टर साहब ने धमाका क्या होता है? धमाका होने से पहले लोगों ने अपने घरों पर किस तरह से शील्ड कर रखा था, आप सुन लीजिए इनको। And I have put a plastic sheet. It's not a thick, that thick a sheet, but a thin sheet which has been advised by our authorities here to cover your balconies to ensure that the dust can be contained and dust does not penetrate straight into the house, because that's the big, big worry as far as the demolition of Supertech Twin Towers is concerned. Apart from that, we've been told to put masking tapes. We've put masking tapes on doors and windows to avoid any kind of dust and debris penetration that might happen post 2:30 PM on Sunday when the towers are demolished. अलग अलग जावियों से देखिए किस तरह से, उसकी आवाज़ देखिए, अपने घनगरज, जितने भी आपको कपड़े दिख रहे हैं ना उन्हीं में सब लगाए गए थे। 3,700 किलोग्राम लगाए गए थे बारूद। लोगों का शोर और हंगामा, जिस तरह से धूल उड़ रहा है उसी तरह से लोगों का शोर और हंगामा उठ रहा है। आपको बता दें कि लगातार डिमोलिशन से पहले मीडिया कवरेज हो रहा था और एक तरीके से उसको हाइप बनाया जा रहा था। लोग वहाँ से इवैक्यूएट कर रहे थे, कुत्ते को लेके जा रहे थे, खुद को भी इवैक्यूएट कर रहे थे। आपको बता दें कि नोएडा के सेक्टर 93A में प्लॉट नंबर 4 कहलाता है, उसके लिए ज़मीन अलॉट की गई थी और वहाँ पर ये पूरा कंस्ट्रक्शन हुआ था। यहाँ पर आपको एक बात और भी बता दें कि ये 2004 से लेकर के 28 अगस्त 2022 तक ये पूरी कहानी चली और अंततः 2:30 पर ठीक कुल 12 सेकंड के अंदर ये पूरी बिल्डिंग ध्वस्त कर दी गई। और इस तरीके से हिंदुस्तान की हिस्ट्री में सबसे ऊंची दो इमारतों के गिराए जाने का ये पूरा किस्सा था। आपको थोड़ा सा यहाँ रुक करके बता दें कि इससे पहले एक बार चाइना में एक साथ 15 बड़ी बड़ी इमारतों को गिराए जाने के बाद से हंगामा मचा था, सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वो वीडियो वायरल हुआ था। लेकिन अब हिंदुस्तान में दो सबसे बड़ी इमारतों यानी ऊँची इमारतों के गिराए जाने के बाद से एक तरीके से हिंदुस्तान में इतिहास बन गया है। आपका पूरे इस विषय पर क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। हमारे चैनल पर नया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।